अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ जी सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, मेरा नाम है मोहम्मद शहबाज़ रफ़ीक और आप हमारा चैनल देख रहे हैं नेचर नेस्ट एवरी। अच्छा जी, आज जो है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर बात करनी है। वो ये है कि बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से फैंसियर ऐसे हैं, इवन जो न्यू फैंसियर्स हैं वो स्पेशली ऐसे हैं कि आपने नोटिस किया होगा कि जब फर्स्ट क्लच के बच्चे जो हैं वो सेल्फ होने के करीब होते हैं, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ फीमेल जो हैं वो अभी बच्चे प्रॉपर सेल्फ नहीं हुए होते और फीमेल जो हैं वो दोबारा से लिंग पे आ जाती हैं और इवन एग ले भी कर देती हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा भी देखने को मिला है कि बाज़ औक़ात बच्चे होते हैं वो अपना बॉक्सी से बाहर नहीं आ रहे होते, तो फीमेल क्या करती है, वो बाहर ही एक आध डंडा बाहर भी जो है वो ले कर देती होती है। तो ये है कि जब फीमेल इस तरह की कंडीशन में आ जाए ना, तो आपने जो है वो कभी भी बच्चों को सेपरेट नहीं करना, ठीक हो गया। पहली बात ये, उसकी वजह ये है कि फीमेल जो होती हैं वो नॉर्मली ऐसा कर जाती हैं, जल्दी ब्रीड पे आ जाती हैं और बच्चे सेल्फ नहीं हुए होते। हम क्या करते हैं कि हम ये कहते हैं यार ये तो ब्रीड शुरू हो गई, तो बच्चों को जो है वो जल्दी से जो है वो इनको सेपरेट कर दिया जाए। हम क्या करते हैं, चिक्स को जो है वो सेपरेट करते हैं और अल्टीमेटली रिजल्ट ऐसा क्या होता है कि उनमें से कुछ चिक्स जो हैं वो एक्सपायर होना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह ये है कि चिक्स प्रॉपर सेल्फ नहीं हुए होते, उनको भी दाना उठाना आता नहीं है, खाना आता नहीं होता उन्हें, तो इस वजह से वो खा नहीं पाते। वो यही वेट कर रहे होते हैं कि हमें कोई खिलाएगा और फिर हम जो है वो हमारा पेट भरेगा। तो असल में यही वजह होती है कि चिक्स अपना एक्सपायर हो जाते हैं और अल्टीमेट हमें बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ जाता है। तो करना ये है कि जब ऐसी कंडीशन हो तो आपने चिक्स को कभी भी सेपरेट नहीं करना, एग्ज आ रहे हैं आने दें। ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि जब एग्स ले करना शुरू कर देती है ना, तो आप नोटिस करेंगे कि फीमेल्स और मेल जो है ना वो खुद ही जो है ना अपने चिक्स को जो है ना वो अंदर आने से मना कर रहे होंगे, थोड़ा उनको टोक रहे होंगे, थोड़ा उनको चोंच मार रहे होते हैं कि नहीं अभी अब आपने अंदर नहीं आना। तो 1-2-4 दिन के अंदर अंदर वो बच्चे सीख जाते हैं, वो फिर अंदर जाते नहीं हैं, तो फीमेल जो है वो एग्स पे बैठी रहती हैं। ठीक हो गया, तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी, मैंने फील किया और मैंने सोचा कि आपको ये चीज़ बताई जाए, क्योंकि बहुत से फैंसिर ऐसी कंडीशन में जो है वो बड़े बड़े बड़ा नुकसान उठा लेते हैं। तो ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर हमारी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब आवर चैनल नेचर नेस्ट एवरी।